टीवी सीरियल रिश्ता का कहलाता है मैं अरमान और अभीरा की जिंदगी मुश्किलों से गुजर रही है। अभीरा माँ बनने वाली है लेकिन अरमान अभीरा का एबॉर्शन करवाने के पीछे पड़ा है। अभीरा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन अभीरा किसी तरह अरमान को मना लेती है और अपना एबॉर्शन नहीं करवाती है। अब अभीरा और अरमान के सामने एक नई परेशानी आएगी। अरमान चारू के शरीर पर लगे घाव देख लेगा जिसके बाद अरमान और अभीरा एक बड़ा फैसला लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। टीवी सीरियल रिश्ता का कहलाता है में दिखाया जाएगा कि अभीरा और अरमान अस्पताल से घर आते हैं तब देखते हैं कि विद्या और रूही में बहस हो रही होती है। रूही पहले तो विद्या को समझाती है कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और फिर वह बच्चे के लिए विद्या का पॉजिटिव बिहेवियर देख उसे शांत रहने के लिए कह देती है। तब अभीरा आगे आकर रूही को समझाती है और फिर अरमान और अभीरा में बहस हो जाती है। इन सब के बाद अभीरा कमरे से बाहर खड़ी खिड़की से ही चारू के शरीर पर निशान देख लेती है और अरमान को भी बताती है लेकिन चारू कुछ नहीं बोलती। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभीरा और अरमान को पता चल जाता है कि नीरज ने चारू के साथ कुछ बदतमीजी की है लेकिन चारू किसी को कुछ नहीं बताने का फैसला लेती है। दूसरी तरफ पोदार हाउस में हॉल में चारू और नीरज की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी नीरज के माता पिता आ जाते हैं और चारू को भी नीचे बुलाया जाता है और चारू भी अपने शरीर के निशान छुपाकर नीचे चली आती है। इस मौके पर अरमान और अभीरा फैसला लेते हैं कि वह नीरज का सच सामने लाएंगे। इतना ही नहीं आगे दिखाया जाएगा कि अभीरा नीरज को परिवार वालों के सामने ही जोरदार थप्पड़ मारती है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।